हाँ देखो, अभी तक अपने जो है ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था। अगला एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का सामान्य सूत्र है C6H12O6। इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन पाया जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणुसूत्र समान होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है क्रियात्मक समूह का। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह कीटोन है। यह वाम ध्रुवण गुणक होता है। वाम ध्रुवण गुणक का मतलब जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाई ओर घुमाए, जो दाई ओर घुमाता है समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिण ध्रुवण गुणक है, और बाई ओर घुमाए वो वाम ध्रुवण गुणक है। आप देखिए फ्रक्टोज की सामान्य संरचना। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह जो है वो एक नंबर कार्बन पे होता है, जबकि फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह दो नंबर पे होता है, और वो क्रियात्मक समूह है कीटोन। तो ये फ्रक्टोज की सामान्य संरचना है। सामान्य संरचना को चक्रीय संरचना में परिवर्तित करेंगे। देखिए, जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है, प्रथम कार्बन, उस पर एक जुड़ा हुआ है CH2OH, ये जुड़ा हुआ है, और ये जो O है इसके ऊपर पांचवें कार्बन का हाइड्रोजन लाकर जोड़ देते हैं। ठीक है, अब पांचवें कार्बन का जो ऑक्सीजन बचा है उसकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए ये ऑक्सीजन परमाणु दूसरे और पांचवें कार्बन के साथ बंध बना लेता है। तो ये फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना का निर्माण हो जाता है। अब फ्रक्टोज भी दो प्रकार के होते हैं, अल्फा और बीटा। यदि फ्रक्टोज में दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह दाहिनी ओर लिखा है तो अल्फा डी फ्रक्टोज, और बाई ओर लिखा है तो बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना है ग्लूकोज के जैसी। अब देखिए, फ्रक्टोज में पांच सदस्यीय वलय पाई जाती है, और इस वलय को फ्यूरिन कहते हैं। पांच सदस्य देखो, 1, 2, 3, 4 और 5, चार तो होते हैं कार्बन और एक होता है ऑक्सीजन। तो फ्रक्टोज में पांच सदस्यों की वलय पाई जाती है, इस वलय को फ्यूरिन कहते हैं। ये पांच सदस्यीय वलय है, इसमें 1, 2, 3, 4, चार कार्बन और एक ऑक्सीजन है, तो कुल पांच सदस्य हो गए। अब इस फ्यूरेन संरचना से और फ्यूरेनोज या हावर्स संरचना सूत्र बनाते हैं फ्रक्टोज का। तो ये अपन ने इसकी पांच सदस्यीय संरचना को लिख दिया, और उसमें वही करते हैं जैसे ग्लूकोज में जोड़ा था कि ये प्रथम कार्बन हो गया, ये तो हो गया प्रथम कार्बन और ये दूसरा कार्बन। तो दूसरे कार्बन के ऊपर OH दाहिनी ओर जुड़ा है तो उसको नीचे की ओर जोड़ देंगे। फिर तीसरे कार्बन पर OH बाई ओर जुड़ा है तो उसको ऊपर की ओर जोड़ देंगे। चौथे पे OH दाई ओर है तो नीचे की ओर। इसी प्रकार ये फ्रक्टोज की हावर्त या फ्यूरिनोज संरचना बन जाती है। अब ये है इसका अल्फा डी फ्रक्टोज सूत्र, और ये है बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा और बीटा में अंतर क्या है? देखो, जो दूसरा कार्बन है इस पर OH नीचे की ओर जुड़ा है तो अल्फा, और ऊपर की ओर जोड़ देंगे तो बीटा।